हाय गाइस, सो अभी तक हमने डिसीजन ट्री में जितना भी पढ़ाई किया, इट वाज ऑल रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन, राइट? एंड इनफैक्ट डिसीजन ट्री इज वन सच एल्गोरिदम जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में ज़्यादा यूज होता है. मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम जहाँ पे टारगेट कॉलम जो अपना है वो कैटेगोरी करें. ओके, बट वॉट यू कैन डू इज यू कैन अप्लाई डिसीजन ट्रीज ऑन टॉप ऑफ रिग्रेशन प्रॉब्लम्स एज वेल. मतलब अगर आपके पास एक ऐसा डेटा है जहाँ पर टारगेट जो है, लेबल जो है वो न्यूमेरिकल है, वहां पर यू कैन अप्लाई डिसीजन ट्रीज. उसको हम रिग्रेशन ट्री बोलते हैं और इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एक्चुअली. सो विल फर्स्ट डिस्कस इन दिस वीडियो कि रिग्रेशन ट्रीज कहाँ पे एप्लीकेबल है, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लीनियर रिग्रेशन ही सॉल्व कर लेता है. इट्स लाइक दिस गो टू एल्गोरिदम इन रिग्रेशन रिग्रेशन जहाँ पे आप मोस्टली आपका प्रॉब्लम्स लीनियर रिग्रेशन सॉल्व कर देता है. बट आई शो यू कि कहाँ पर लीनियर रिग्रेशन यूज नहीं हो सकता और आपको रिग्रेशन ट्रीज हेल्प कर सकते हैं. ओके, सो मैंने एक डेटा निकाला है, मतलब एक एग्जाम्पल लिया है, एंड आई थिंक इट्स अ रेलिवेंट सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल, स्पेशली इफ यू आर स्टूडेंट. सो ये डेटा है अबाउट सम स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स कितने आए एग्जाम में वर्सेस उन्होंने कितने घंटे पढ़ाई किया. ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट डेटा है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे यू हैव गॉट द मार्क्स एंड ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी इन द एंटायर सेमेस्टर. ओके, सो अगेन यू कैन सी देयर इज अ जनरल ट्रेंड कि आप यार जितना ज्यादा पढ़ते हो कॉलेज में मार्क्स उतने ज्यादा आते हैं रफली स्पीकिंग, राइट? सो देयर इज अ लीनियर सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, राइट? नॉट परफेक्टली लीनियर, क्योंकि कुछ लोग कम पढ़ के ज्यादा लाते हैं, कुछ लोग ज्यादा पढ़ के कम लाते हैं. सो देयर इज अ लीनियर सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप जो इस डेटा में कैप्चर हो रहा है. यहाँ पे हर क्रॉस इज अ स्टूडेंट. ओके, सो अब जैसे आपको दिखेगा ना कि मेरा डेटा इज लीनियर, वॉट यू विल डू इज आप यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करोगे. नाउ आई नो आपने लीनियर रिग्रेशन अभी नहीं पढ़ा होगा शायद, so I'll just tell you the gist of it. So what you do is you try to find out this line. You try to find out this line. इसको हम बोलते हैं best fit line. Okay. So basically मुझे इस line का m और intercept b निकालना होता है. और जैसे मुझे ये मिल जाता है, मुझे line का equation मिल जाता है और मेरा काम हो जाता है. So इसके बाद अगर कोई मुझसे पूछे कि boss ये student है, इसने I don't know total मिला के 75 hours पढ़ाई किया है. तो what I will do is now that I have got this linear relationship, I have got this line. What I will do is I'll plot this point on top of this graph, right? I have m, I have p, I also have my x. So what I can do is I can find out y by using this relationship, right? और वो यहाँ पे आया, right? और वैसे से मैंने बोल दिया कि उसके 60 मार्क्स आएंगे. सिंपल, दैट इज हाउ लीनियर रिग्रेशन वर्क्स. अगर लीनियर रिलेशनशिप है, लीनियर रिग्रेशन लगाएंगे और इस तरीके से हमको आंसर मिलेगा, राइट? बट कभी कभी डेटा में लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता. जैसे कि ये डेटा देखो, ये भी डेटा सिमिलर है. देयर इज ओनली वन डिफरेंस कि इस बार नंबर ऑफ आवर्स जो है वो एग्जाम के 1 लाख पहले का नंबर है, ठीक है? कि एग्जाम के 1 लाख पहले स्टूडेंट ने कितना पढ़ाई किया. एंड नाउ यू कैन टोटली इमेजिन कि जिन लोगों ने बहुत कम पढ़ाई किया, लाइक 3 घंटे पढ़ाई किया एग्जाम के पहले, उनका मार्क्स थोड़ा कम आया. जिन लोगों ने ऑप्टिमम रेंज में पढ़ाई किया 3 to 6, उनका मार्क्स ज्यादा आया. जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ाई किया, लाइक 6 घंटे से ज्यादा, वो एग्जाम में सो गए, तो उनके मार्क्स वैसे कम आए. ओके, सो नाउ अगर तुम यहाँ पर कोई ऐसा लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करो जैसे तुम यहाँ पे कर रहे हो, लेट्स से तुमने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया, राइट? अब तुमसे कोई बोले कि भाई एग्जाम के 1 लाख पहले 5 घंटे पढ़ाई बंदे ने, तो बताओ उसके मार्क्स कितने आएंगे. तो आप अगर सेम काम करने जाओगे तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लेट्स से 70 मार्क्स आएंगे. बट यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो क्लस्टर है ये 85 से ऊपर का है, तो आप यहाँ पे गलती करने लग जाओगे. सिमिलरली आप नीचे में भी गलती करने लग जाओगे, यहाँ पे तो आप बहुत ही ज्यादा गलती करोगे. समझ में आ रहा है? तो जब भी डेटा में एक नॉन लीनियर सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है ना, वहां पे आप रिग्रेशन ट्री यूज करते हो. और रिग्रेशन ट्री आपको बेटर रिजल्ट देता है इन कंपेरिजन टू लीनियर रिग्रेशन. ओके, सो आई शो यू ये वाला प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करोगे. आई ग्रैब दिस. सो व्हाट यू विल डू इज आप डेटा में कट्स मारोगे, क्योंकि डिसीजन ट्रीज में आप यही करते हो, आप डेटा में कट मारोगे, राइट? सो बेसिकली कैन सी यहाँ पर आपके 2 कट्स पड़ेंगे. सो वन कट वुड बी दिस, लेट्स से 3 घंटे के थ्रेशोल्ड पे, और एक और कट होगा 6 के थ्रेशोल्ड पे. सो आपका कोड कुछ ऐसा हो जाएगा, यू विल राइट इफ नंबर ऑफ आवर्स इज लेस देन 6, यस नो, राइट? लेट्स टॉक अबाउट नो. मतलब नंबर ऑफ
आवर्स इज लेस देन 6, मतलब ये ज्यादा है, मतलब हम इन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम ये जो पूरे स्टूडेंट्स हैं यही तो आएंगे इसमें, ये कट पड़ा तो मैं इन सब स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीन निकाल दूंगा और मैं मीन स्कोर बोल दूंगा कि यही इस बच्चे का स्कोर होगा, मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, यस, मतलब आप इस रेंज का बात कर रहे हो। अब इस रेंज में आपने फिर एक कंडीशन लगाया, इफ एन इज लेस देन 3, यस नो, सो इफ इट्स यस आप इन स्टूडेंट्स का बात कर रहे हो, राइट, आप फिर से उनका मीन निकालोगे और यहां पे दिखा दोगे, और अगर आप नो का बात कर रहे हो तो आप इन स्टूडेंट्स का बात कर रहे हो, आप फिर इनका मीन निकाल करके यहाँ पे शो कर दोगे, राइट। अब कोई नया स्टूडेंट आया, लेट्स से 5 वाला एक नया स्टूडेंट है, मुझे पता करना उसके मार्क्स कितने आएंगे गिवन उसने 5 घंटे पढ़ाई की। सो इफ एन इज लेस देन 6, तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके फिर से क्वेश्चन, इफ एन इज लेस देन 3, तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और ये वाला जो है इन स्टूडेंट्स का मीन निकाल करके डिस्प्ले कर देंगे, एंड दैट इज हाउ डिसीजन ट्रीज वर्क्स इन रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। ओके, अब ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, बट देर इज अ कैच, नॉट एग्जैक्टली अ कैच बट इट्स अ कंसेप्चुअल थॉट। सोच के देखो, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था तो मैंने कट्स मार दिए, राइट। वॉट इफ मेरा डेटा ऐसा होता, समथिंग लाइक दिस, आई नो थोड़ा सा क्लम्सी हो गया यहाँ पे, बट इमेजिन करो कि डेटा पूरा कंटिन्यूअस होता, ऐसे गैप्स नहीं होते, तो आपको कैसे समझ में आता कि ये नंबर 3 ही होना चाहिए या ये नंबर 6 ही होना चाहिए, मतलब आपको ये स्प्लिटिंग क्राइटेरिया कैसे समझ में आता। एज अ ह्यूमन बीइंग आई कैन सी दिस ग्राफ एंड आई कैन टेल कि ओके दिस शुड बी द नंबर, राइट, बट व्हाट इफ एल्गोरिथम कर रहा है ये, क्योंकि वो करेगा भी, उसको ये नंबर कैसे पता चलेगा, दैट इज द मेन पॉइंट। ये नंबर फिगर आउट करना इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि कैसे रिग्रेशन के सेटिंग में डिसीजन ट्री एल्गोरिथम ये कट्स निकालता है, ये थ्रेशोल्ड्स निकालता है। ओके ओके गाइस, नाउ लेट्स डिस्कस कि हाउ डू वी फाइंड आउट दैट स्प्लिटिंग क्राइटेरिया, कि कहां पे स्प्लिट पड़ेगा, राइट। सो अप्रोच इज वेरी सिंपल एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर इन क्लासिफिकेशन पार्ट। सो व्हाट यू डू इज यू टेक 2 points एट अ टाइम, लेट्स से दीज 2 points, द फर्स्ट 2 points, ओके, एंड देन यू फाइंड आउट द मीन ऑफ दीज 2 points, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट आवर्स नॉट मार्क्स, ओके। सो दिस वुड बी लाइक दिस लाइन, राइट, दिस लाइन वुड बी द मीन, राइट, एंड नाउ व्हाट यू डू इज यू क्रिएट 2 groups ऑन द बेसिस ऑफ दिस नंबर, आई डोंट नो, लेट्स से दिस नंबर इज 0.5, राइट। सो ऑन टॉप ऑफ 0.5 you do a split, and what you do is you write it like this: if hours less than 0.5, right? So इससे कम सिर्फ ये point होगा, तो एक point का mean is basically that point on itself. So इस point का marks हो जाएगा. Let's call this P1. So P1 का जो भी marks है, right? Similarly, there will be a second group which will be all of these points, वो यहाँ पे आ जाएंगे, और ये जो मॉडल बनेगा इस स्क्रिप्ट के ऊपर, इस मॉडल के हिसाब से अगर नया पॉइंट यहाँ पे कहीं भी लाई करेगा तो उसका मार्क्स होगा इन बाकी बचे पॉइंट्स का मीन, सो पी रिमेनिंग मीन, राइट। सो लेट्स से ये बाकी पॉइंट्स का मीन इज समवेयर हियर, ओके, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम एक मेट्रिक ड्रॉ करेंगे, हम एक्चुअल मार्क्स जो हैं इन सारे रिमेनिंग पॉइंट्स के और ये जो मीन मार्क्स हैं इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। सो इन अ वे फॉर दिस पॉइंट दैट डिफरेंस वुड बी दिस, फॉर दिस पॉइंट इट वुड बी दिस, फॉर दिस लाइक दिस, राइट। इनको हम रेसिडुअल बोलते हैं, residual, machine learning literature में we call it residual or error, right? So if this is E1, this is E2, this is E3, this is E4 and so on, what you do is you do the square of them. Square क्यों कर रहे हो? Because इस line के कुछ नीचे कुछ ऊपर है, तो positive करने के लिए,
व्हाट यू डू इज द टोटल रेजिडुअल एरर होगा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर बोलते हैं इसको, इट वुड बी ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस ई एन स्क्वायर, राइट, इट वुड बी सम नंबर, राइट. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ, वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू है, ये जो स्प्लिटिंग वैल्यू है 0.5, राइट, और 0.5 के लिए ये नंबर कितना है इन सबका स्क्वायर्ड सम, लेट्स से दिस इज द एरर, राइट. सो लेट्स से इट्स राइट हियर, ओके. नाउ व्हाट वी विल डू इज विल फॉरगेट दिस वन, इसको भूल जाएंगे. अब हम अगले दो पॉइंट्स को पिक करेंगे, ये दो पॉइंट्स को, ओके. और फिर हम स्प्लिटिंग क्राइटेरिया इस दोनों का मीन को बनाएंगे, लेट्स से दिस इज 1.5, लेट्स से, ओके. अब लाइन के इस तरफ दो पॉइंट्स हैं और लाइन के इस तरफ बाकी सारे पॉइंट्स हैं, ओके. सो दिस विल बिकम 1.5, दिस इज द सेकेंड स्प्लिटिंग, ओके. अब लाइन के इस तरफ में अब हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स का मीन और लाइन के इस तरफ हो जाएगा बाकी सारे पॉइंट्स का मीन, ओके. और अब हम फिर से क्या करेंगे, जैसे इनका मीन का लाइन यहां पे होगा कहीं पे इस जगह पे, और इनके मीन का लाइन लेट्स से थोड़ा सा और नीचे आ गया, लेट्स से, राइट. और फिर से मैं क्या करूंगा, हर पॉइंट का उसके रिस्पेक्टिव, इस लाइन के इस तरफ में इन दोनों पॉइंट्स का रिस्पेक्टिव मीन का डिफरेंस और इस तरफ में बाकी पॉइंट्स के मीन का डिफरेंस फिर से मैं एसएसई कैलकुलेट करूंगा. सो लास्ट टाइम अगर वो इट वाज एसएसई 1, अब मैं एसएसई 2 कैलकुलेट करूंगा. सो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स का मीन एरर और इन दोनों पॉइंट्स का भी स्क्वायर्ड मीन एरर, और लेट्स से उन फिर को सबको ऐड करने को नंबर कुछ यहां पे प्लॉट होता है फॉर 1.5, लेट्स से यहां पे पॉइंट होता है, ठीक है. फिर हम ऐसे अगले दो पॉइंट्स को लेंगे, फिर स्प्लिट मारेंगे, फिर मीन निकालेंगे, फिर एरर निकालेंगे, उसको ऐसे प्लॉट करते जाएंगे, और ऐसा हम हर जगह पे हर स्प्लिट के लिए करेंगे, राइट. अब जिस भी पॉइंट पे, लेट्स से इस पॉइंट पे दिस वाज द मीन, दिस वाज द एरर, तो यू कैन सी द एरर इज मिनिमम. तो जिस भी पर्टिकुलर स्प्लिटिंग क्राइटेरिया के लिए ये रेजिडुअल एरर मिनिमम होगा ना, वही हमारा पहला स्प्लिट बन जाएगा. लेट्स से दिस वन इज द फर्स्ट स्प्लिट, लेट्स से दिस वन इज द फर्स्ट स्प्लिट, राइट. अब हम क्या मान लेंगे कि इसके इस तरफ सब एक ग्रुप में है, इसके एक तरफ सब दूसरे ग्रुप में है, ओके. आई होप ये पूरा चीज क्लियर है. सो नाउ यू कैन सी आफ्टर द फर्स्ट आइटरेशन, हर बार दो दो पॉइंट्स को लेकर जब हमने स्प्लिट मारा तो हमको पता चला कि ये वाला जो स्प्लिट है ना, ये सबसे इफेक्टिव स्प्लिट है, इन द सेंस इस स्प्लिट से ये सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर सबसे कम है, मिनिमम है. तो हमने इसको मान लिया कि भैया ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया तो सेट हो गया. सो यहां पे ये डिसीजन ट्री में पहला नोड बन चुका है, इफ आवर्स इज लेस देन 3, दिस इज द फर्स्ट स्प्लिट. अब आप यहां पर आ गए, ठीक है. सो दो 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 ग्रुप्स बन गए, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज द सेकेंड ग्रुप, राइट. अब आपको क्या करना है, दोनों पोर्शन में फिर से सेम काम करना है, दो दो का ग्रुप लेना है, फिर से स्प्लिट करना है, एरर प्लॉट करना है, और तुमको फिर से अगला क्राइटेरिया पता चलेगा, इसमें भी दोनों सब ट्रीज में. बट द थिंग इज, अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे तो यू वुड नोटिस कि तुम एंड अप कहां पे करोगे, कि तुमको हर पॉइंट को तुम स्प्लिट कर लोगे. डोंट यू थिंक हर पॉइंट ही स्प्लिट हो जाएगा अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ते जाए. सो और ऑब्वियसली हमें हर पॉइंट को स्प्लिट नहीं करना, हमें एक ग्रुप क्लस्टर को अलग करना है, राइट. हर पॉइंट को अलग करने से क्या प्रॉब्लम होगा कि हमारा एल्गोरिथम रटने लगेगा. सो ट्रेनिंग डेटा पे एकदम परफेक्टली काम करेगा, मतलब एग्जैक्टली जो आप दोगे एग्जैक्ट आंसर आएगा, आप जैसे आवर्स बताओगे एग्जैक्ट मार्क्स बताएगा ट्रेनिंग डेटा पे, बट टेस्ट डेटा पे बहुत खराब तरीके से फेल करेगा. इसको बोलते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे. बेसिकली हम इसको ओवरफिट नहीं करना चाहते, अगर हम हर को स्प्लिट करेंगे दैट इज ओवरफिटिंग. सो व्हाट वी विल डू इज विल सेट अ बेसिक क्राइटेरिया कि अगर विल डिसाइड कि नंबर ऑफ पॉइंट्स का एक थ्रेशोल्ड होगा, एक नंबर ऑफ पॉइंट्स का थ्रेशोल्ड होगा, उससे कम पॉइंट्स अगर हुए किसी ग्रुप में तो हम और स्प्लिटिंग नहीं करेंगे. लेट्स से फॉर नाउ दैट नंबर इज 4, तो जब भी स्प्लिट्स पढ़ेंगे हम दोनों साइड देखेंगे कि नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 से ज्यादा है कि नहीं. 4 से ज्यादा है तभी हम स्प्लिट करेंगे, अदरवाइज हम स्प्लिट नहीं करेंगे. लाइक ओवर हियर हमने काउंट किया तो हमको पता चला कि बॉस यहां पे सिर्फ 4 पॉइंट्स ही हैं जो हमारा थ्रेशोल्ड के बराबर है, कम है या बराबर है, तो हम यहां पे अब और स्प्लिटिंग नहीं करेंगे. ये फिक्स हो गया, मतलब इससे नीचे आया, मतलब इफ एच इज लेस देन 3, 3 घंटे से कम पढ़ाई किया तो हम सीधे बोल देंगे कि मार्क्स
इज बेसिकली द मीन ऑफ दीज फोर पॉइंट्स, दैट्स इट, फाइनल हो गया। इस तरफ अभी फाइनल नहीं हुआ। अब इस तरफ तुम क्या करोगे, सेम चीज को रिपीट करोगे, दो दो पॉइंट को लोगे, फिर से स्प्लिट मारोगे, इस ग्राफ में प्लॉट करोगे, दो दो पॉइंट को लोगे, स्प्लिट मारोगे, प्लॉट करोगे, और ऐसे करते करते फिर से एक ऐसा कर्व बनेगा एंड यू विल रियलाइज कि तुमको एक और पॉइंट मिल गया जिसमें एरर मिनिमम है, लेट्स से दिस पॉइंट सिक्स वाला। सो यहां पे आ गया इफ एच इज लेस देन सिक्स, राइट। अब इस स्प्लिट के दोनों तरफ तुमने देखा कि बॉस यहां पे चार ही पॉइंट्स हैं, सो यहां पे अब स्प्लिटिंग नहीं होगा, और यहां पे भी चार ही पॉइंट्स हैं तो यहां पे भी स्प्लिटिंग नहीं होगा, तो इसका मतलब मेरा काम हो गया। अगर एच थ्री से कम है और सॉरी एच थ्री से कम है तो ये हो गया, एच थ्री से कम है और सिक्स से भी कम है मतलब दिस पॉइंट, तो हम इन पॉइंट्स का मीन निकाल देंगे यहां पे, राइट। और एच सिक्स से ज्यादा है तो हम इन पॉइंट्स का मीन निकाल देंगे यहां पर, एंड दैट इज हाउ यू डू इट, ओके। सो ये जो चीज है ना, ये आपको हाइपर पैरामीटर बोलते हैं इसको, और ये आप ट्वीक कर सकते हो इन द एल्गोरिथम, ओके। जनरली स्पीकिंग ये 20 to 25 का नंबर होता है, डिपेंड्स ऑन द डेटा सेट। जनरली लोग 25 पॉइंट से कम पॉइंट्स अगर बच रहे हैं तो आप और स्प्लिट नहीं मारते हो। बेसिकली यहाँ पे पॉइंट्स का मतलब नंबर ऑफ रोज है। सो 25 रोज से कम बच रहे हैं किसी भी स्प्लिट के बाद, यू जस्ट कंसिडर इट टू बी अ लीफ नोड, मान लेते हो कि और ज्यादा स्प्लिट नहीं करेंगे। अगर 25 से ज्यादा नोड्स हैं तो आप स्प्लिट करते हो, करते जाते हो अंटिल ये क्राइटेरिया मीट नहीं होता, ओके। सो आई होप ये वाला पूरा डिस्कशन क्लियर हो गया। नाउ कम्स वन लास्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज था, नंबर ऑफ आवर्स, जिससे मार्क्स का असर पड़ रहा था। What if there are other factors? तो फिर कैसे split decide होगा? That we will discuss next. Okay guys, the final point. What if मेरे पास एक ऐसा data है कि same exam से related data, exam के पहले कितने देर पढ़ाई की, उस student का CGPA कितना है अभी तक, और finally उसके marks कितने हैं? So now I have got two input variables and one output variable, and this is a 3D graph. अभी ये जो प्लेन्स मैंने कट किए हैं इसको इग्नोर करो, बट दीज आर द पॉइंट्स, मतलब इसको रूम में यू कैन इमेजिन दिस रूम, कोई भी एक कॉर्नर को उठा लो तो इट कुड एक्ट एज अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। सो एक्स एक्सिस पे आर्स है, ओके, जेड एक्सिस पे CGPA एंड वाई एक्सिस पे मार्क्स, ओके। सो इस सिनेरियो में क्या करना होता है अपने को कि आप इंडिपेंडेंट एनालिसिस करते हो आवर्स का मार्क्स के साथ और CGPA का मार्क्स के साथ। सो मतलब दोनों का अलग अगर आप ग्राफ प्लॉट करो तो लेट्स से CGPA का मार्क्स के साथ लीनियर रिलेशनशिप ही है, लेट्स से, ओके। और सिमिलरली आप क्या कर रहे हो, आप आवर्स ऑफ स्टडी का मार्क्स के साथ निकाल रहे हो, तो कुछ इस तरह का स्टडी है, इस तरह का ग्राफ है, समथिंग लाइक, ओके। नाउ व्हाट यू डू इज यू डू द सेम एग्जैक्ट स्टेप जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। दो दो पॉइंट दोनों के साथ आप सेम काम करोगे। सो आप पहले वाले कर्व को पकड़ोगे, सेम दो दो पॉइंट्स को उठा उठा के वो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर निकाल करके सबसे इफेक्टिव स्प्लिटिंग पॉइंट निकालोगे फॉर आवर्स। सिमिलरली आप इसका CGPA का भी सबसे इफेक्टिव स्प्लिटिंग पॉइंट निकालोगे, राइट। दोनों स्प्लिटिंग पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर होगा, लेट्स कॉल इट SSEHR एंड SSE CGPA, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस ओवरऑल डेटा पे, इस 3D डेटा पे पहला स्प्लिट आवर वाले एक्सिस पे पड़ेगा, मतलब दिस इज द एक्स एक्सिस, तो ये फ्लैट वाला प्लेन कट करेगा या फिर ये प्लेन कट करेगा CGPA वाला, ये कैसे डिसाइड होगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, एक्चुअली छोटा कौन है। अगर ये छोटा है, आवर्स वाला छोटा है, तो आप ये कट मारोगे एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला। अगर CGPA वाला एरर छोटा है तो आप ये कट मारोगे, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब जैसे आपने पहला कट मारा, तो लेट्स से आपने आवर्स पे मारा, तो आपका पूरा का पूरा स्प्लिटिंग क्राइटेरिया ऐसा दिखाई देगा, इफ आवर्स इज लेस देन 3, राइट। अब इस क्राइटेरिया के नाउ इमेजिन दिस प्लेन, ओके। ये प्लेन आवर्स के पैरेलल में है और पूरे डेटा को काट रहा है, पूरे डेटा को काट रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ऊपर आएंगे, कुछ पॉइंट्स नीचे आएंगे, राइट। अब फिर से सेम क्राइटेरिया कि अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स इज लेस देन 4, लेट्स से ऊपर में लेट्स से नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 से कम है, तो आप ऊपर और स्प्लिटिंग नहीं करोगे,
उसको छोड़ दोगे ऐसे ही. सो इन चारों पॉइंट्स का आप मीन निकाल लोगे एंड दैट्स इट, राइट. अगर लेट्स से नीचे में चार से ज्यादा पॉइंट्स हैं तो आप फिर से सेम काम करोगे. नीचे वाले पॉइंट्स के लिए फिर से दोनों में कॉम्पिटिशन करवाओगे कि नेक्स्ट वाला जो नोड है यहाँ पे ये आवर्स का होगा या CGPA का होगा. और ऐसे करते करते आप कट्स करते जाओगे और इवेंचुअली जब जब चार पॉइंट्स बचेंगे आप वहां पे और छेड़छाड़ नहीं करोगे, आप निकल जाओगे और इवेंचुअली आपका इस तरीके से डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, राइट. और ऑब्वियसली जब भी चार पॉइंट्स बचेंगे आप उनका मीन ही निकालोगे, ठीक है. तो आई होप ये पूरा का पूरा डिस्कशन समझ में आया. आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट आई ट्राई टू गिव यू अ प्रॉब्लम जिससे आपका ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा कंक्रीट हो. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.